हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे और इस गर्मी में अपनी स्किन का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे होंगे, अपने बालों का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन जैसे हमें स्किन जो है वो फ्रेश चाहिए होती है, उसी तरह से हमें अपने हाथ पाँव भी टैन हुए हुए बहुत गंदे लग रहे होते हैं। और गर्मियों में एक अजीब सा टैन होता है जो कि आना शुरू हो जाता है हाथों पे और पाँव पे। और क्योंकि गर्मियों के मौसम में हमने इंजॉय करने होते हैं ओपन शूज़, यानी कि स्लीपर्स पहनने होते हैं, सैंडल्स पहनने होते हैं मज़े मज़े के कलर्स के, और स्टिलेटोस पहनने होते हैं, और उसके अंदर अगर पाँव जो हैं उसके ऊपर निशान पड़े हुए हों या उनका रंग हमें ख़राब लग रहा हो, तो फिर मज़ा नहीं आता जूता पहनने का। और बस फिर मूड ख़राब हो जाता है कि भाई ये कपड़े पहने थे इतने शौक से और उसके साथ ये शूज़ पहनना चाह रहे थे या पहन लिए और उसके बाद जो है वो हमें अच्छा नहीं फील हो रहा। ठीक है जी, तो यही है हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है कि हैंड्स एंड फीट जो हैं उनकी टैनिंग हो जाती है, उन पे निशान या दाग पड़ना शुरू हो जाते हैं स्पेशली गर्मियों के मौसम में, तो उससे कैसे बचा जा सकता है और हाथों पाँव को जो है वो साफ सुथरा और टैनिंग से कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है जी, अच्छा इसमें हम जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हम लाइव जा रहे हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे, लेकिन अगर आपने हमसे क्वेश्चंस करने हैं, अपनी क्वेरीज पूछनी है, तो उसके लिए आपको यूट्यूब पे ही आना पड़ेगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम आपसे मुलाकात के लिए आ रहे हों तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी इस इंफॉर्मेटिव चिटचैट का हिस्सा बन सकें, हमें ज्वाइन कर सकें। ठीक है जी, तो अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में ना सिर्फ हमारा जो फेस होता है उसके कलर में हमें एक चेंज फील होता है और हम कहते हैं कि ये डल लग रहा है, बल्कि हमें हाथों पाँव पे भी डलनेस फील होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो नकल्स हैं वो डार्क लगना शुरू हो जाते हैं या हो जाते हैं या सर्दियों के ख़राब हुए हुए होते हैं, और उसके बाद फिर हमें वो गर्मियों में तंग करना शुरू हो जाते हैं क्योंकि गर्मियाँ आती हैं तो हमने ओपन शूज़ पहनने होते हैं, हाफ स्लीव्स पहनने होते हैं, और फिर हम कॉन्शियस हो रहे होते हैं कि हमारे हाथ पाँव जो हैं वो साफ़ नहीं लग रहे। जो हाथों पाँव की स्किन होती है वो फेस की स्किन से बिल्कुल डिफरेंट होती है। हाथ और पाँव की स्किन जो होती है, इवन हाथ और पाँव की स्किन में भी फ़र्क होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि जैसी पाँव की स्किन है वैसी ही हाथों की स्किन होगी। ये मैं आपको बता दूं कि पाँव की स्किन जो है वो निस्बतन ज़्यादा मोटी होती है और जो हाथों की स्किन होती है वो उससे कंपैरेटिवली कम मोटी होती है। एक और इशू होता है, जो पाँव होते हैं वो क्योंकि डिपेंडेंट एरिया होता है तो उस पर अगर चोट लग जाए तो उसका निशान या किसी भी वजह से अगर पाँव के ऊपर कुछ भी हो जाए तो वहाँ पे हीलिंग जो है वो स्लो होगी, स्लो प्रोसेस होगा हीलिंग का। लेकिन अगर जो है अगर हाथों पे होगा तो उसमें ये कि कंपैरेटिवली उससे जल्दी हीलिंग हो जाती है। ठीक है, पाँव जो हैं और हाथ जो हैं, सॉरी जो पाँव होते हैं उसमें हमारे पास दो सरफेसेस होती हैं। एक हमारे हील्स होते हैं यानी कि पाँव के तलवे होते हैं, जहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही होती है कि हील्स फट रही हैं, पाँव बिल्कुल ड्राई हो रहे हैं, खुश्क हो रहे हैं, क्योंकि जो तेज़ गर्म हवा होती है, जैसे ज़्यादा गर्म मौसम होता है तो उसमें भी यही प्रॉब्लम होती है कि स्किन ओवर ड्राई रहना शुरू हो जाती है। इससे पानी की बॉडी में अगर पानी की कमी हो उससे भी यही प्रॉब्लम होता है। लेकिन बाहर जो तेज़ धूप होती है या उसके अलावा हम क्योंकि ओपन शूज़ पहन रहे होते हैं तो जो गर्म हवा होती है उसकी वजह से भी हमारी स्किन जो है वो ड्राई रहना शुरू हो जाती है, और हम बहुत ज़्यादा वॉश कर रहे होते हैं, बार बार नहा रहे होते हैं या बार बार हाथ धो रहे होते हैं, बार बार पांव धो रहे होते हैं अपने आप को जो है वो एक सुकून पहुंचाने के लिए या कंफर्टेबल रखने के लिए, टेम्परेचर कम रखने के लिए बॉडी का, उससे भी जो है वो स्किन ड्राई हो रही होती है। इसमें हमारे पास दो इश्यूज होते हैं पाँव में। एक तो जो आपके हील्स होते हैं, जो पाँव के तलवे होते हैं, उनके ऊपर हमें मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत होती है और वहाँ से डेड स्किन को हटाने की ज़रूरत होती है। जब तक कि डेड स्किन नहीं हटेगी, आपने देखा है जैसे पपड़ियाँ जमी हुई होती हैं पाँव के ऊपर, उस तरह से बहुत मोटी स्किन जिन लोगों की हो जाती है पाँव के तलवों की या हील्स की, तो उसके अंदर कुछ नहीं जा रहा होता। वो कह रहे होते हैं कि मैं तो ऑयल भी लगा के मॉइस्चराइज कर लेती हूँ, वैसलीन भी लगाती हूँ और भी बहुत कुछ जो है वो मॉइस्चराइजेशन के लिए यूज़ करती हूँ, लेकिन किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता, ये इसी तरह से ड्राई फटे हुए रहते हैं। यहाँ तक के ज़ख्म भी बन सकते हैं और उसके अंदर से ब्लड भी निकल सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। और जो पाँव की ऊपर वाली स्किन होती है उसके और प्रॉब्लम्स हैं। उसमें ये प्रॉब्लम आ रहा होता है कि जी जिस शेप का जूता पहनते हैं
बिल्कुल वही डिज़ाइन जो है वो हमारे पाँव पे बनना शुरू हो जाता है गर्मियों के मौसम में। तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ये जो पहला प्रॉब्लम है वो क्यों हो रहा होता है। वो इसलिए होता है कि बहुत सारे लोगों की स्किन ऐसी होती है कि अगर वो मॉइस्चराइज़ किए बगैर पहनते हैं जूता, तो जहाँ जहाँ रगड़ लगती है वहाँ वहाँ से आपकी स्किन के ऊपर निशान पड़ना शुरू हो जाता है, और फिर आप तंग होते हैं कि जूता किसी और स्टाइल का है और साथ में जो रगड़ से निशान बने हुए हैं वो तो पता नहीं क्या बने हुए हैं, और ये इतना बुरा लगता है, और पाँव जो हैं वो साफ़ लगने की बजाय गंदे लग रहे होते हैं। एक तो ये इशू होता है। दूसरा एक और इशू होता है, और वो ये होता है कि पूरे के पूरे पाँव का रंग जो है वो टैन हो जाता है, मध्यम पड़ जाता है, काला हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे धूप में संवला गया है, ठीक है, मुरझाया हुआ है और कलर जो है वो बहुत डल हुआ हुआ है। उससे फिर ये प्रॉब्लम आती है कि अब इससे कैसे बचें, जूता भी ओपन पहनना है। अच्छा, मैं आपको थोड़े से जो ट्रिक्स बताने वाली हूँ या जो टिप्स देने वाली हूँ वो क्या हैं। पाँव की स्किन क्योंकि मोटी होती है और हीलिंग पुअर होती है, तो आप याद रखें कि जैसे हम आपको कहते हैं कि फेस की स्किन के ऊपर एक्सफोलिएट करें और मॉइस्चराइज करें, उसी तरह से इसको भी करना होता है। तो आप क्या करेंगे कि जो पाँव की हील्स हैं अगर वो फटी हुई रहती हैं, तो आपने ये करना है कि आपने हफ्ते में 2 दफ़ा ये कर लें कि आप गर्म पानी ले लेंगे, गर्म पानी में कोई अच्छा सा शैम्पू डाल देंगे जिसके अंदर पहले से कंडीशनर हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप पानी में मिक्स कर लेंगे, पानी इतना गर्म हो कि आपको गर्म लग तो रहा हो लेकिन जलाए नहीं, और आप अपने पाँव उसके अंदर आसानी से रख सकें। उसके अंदर आप अपने पाँव डाल देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए पाँव अंदर ही रहने देंगे, उसके बाद आप पाँव को बाहर निकाल लेंगे और प्यूमिस स्टोन या झावा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसको प्यूमिस स्टोन कहते हैं, और बहुत लाइट वेट और स्पॉन्जी से जो हैं वो ये अवेलेबल होते हैं, आपने वो लेके अपनी सारी की सारी जो हील्स हैं उनको स्क्रब कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसके बाद आपने धो लेना है पाँव को, और फिर आप अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लेंगे। मॉइस्चराइज करने के लिए अगर आपके पास और कुछ ना हो तो जैतून का तेल पाँव की तलवों पे लगाने के लिए बहुत अच्छा है, वो आप लगा सकते हैं। ये मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जिस वक्त आप ये वाला प्रोसेस करेंगे। तो अगर आप हफ्ते में 2 दफ़ा ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पाँव जो हैं वो फिर फटे हुए नहीं रहना शुरू हो जाएंगे, और मॉइस्चराइज़र जो भी आप लगाएंगे वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा बिकॉज डेड स्किन उतर जाएगी। अब हम आ जाते हैं कि आपने एक्सफोलिएट और किस तरीके से कर सकते हैं। और एक अच्छा तरीका जो एक्सफोलिएट करने का है वो ये है कि आप जो सी सॉल्ट होता है, ठीक है, समंदरी नमक जिसको बोलते हैं, आप वो ले लें और उसके साथ कॉफ़ी जो है वो भी डाल लें। दोनों पाउडर की फॉर्म में होंगे। आपने ये करना है कि आपने हाथ गीले कर लेने हैं और पाँव गीले कर लेने हैं, और उसके बाद ये वाला पाउडर उसके ऊपर डाल के और उसकी मसाज शुरू कर दें। आप मसाज करते जाएंगे तो आपकी डेड स्किन जो है वो उतरती जाएगी, और उससे आप देखेंगे कि जब आप मॉइस्चराइज़ करेंगे या कोई क्रीम लगाया करेंगे अपने हाथों पाँव पे तो वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और आपके हाथ पाँव आपको पहले से बहुत बेहतर नज़र आएंगे। उसी तरह से हाथों के ऊपर भी आप ये एक्सफोलिएशन का प्रोसेस ऐसे ही कर सकते हैं, और हाथों के ऊपर भी जैसे मैंने आपको बताया कि हफ्ते में 2 दफ़ा जो है वो आप पानी के अंदर डाल के शैम्पू और उसके अलावा कोई अच्छा कंडीशनर, बिल्कुल वही वाला स्टाइल जो है वो आप हाथों पे भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों की स्किन निस्बतन कम मोटी होती है पाँव की निस्बत। तो आपने ध्यान रखना है कि जिस वक्त आप इसके ऊपर प्यूमिस स्टोन या झावा इस्तेमाल करें तो आप बहुत आराम से, बहुत ही हल्के प्रेशर से, बहुत लाइटली, बहुत जेंटली इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं कि ये जो निशान पड़ते जाते हैं पाँव के ऊपर जूतों के, उसका क्या करना है। उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि कुछ लोगों की स्किन सॉफ्ट होती है, तो आपने ये ट्रिक करना है कि आपने जूता कोई भी पहनना हो उससे पहले आप मॉइस्चराइज़ करेंगे, मॉइस्चराइज़ करने के बाद कोई 10 मिनट के बाद आपने जूते पहनने हैं, ताकि जो रगड़ से, फ्रिक्शन से जो निशान बनने हैं वो कम से कम बन सकें या ना बने। एक और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आप सुबह के वक्त सिर्फ खाली मॉइस्चराइज़ कर लें, सनब्लॉक चले नहीं भी लगा पाते, अगर आप सुबह के वक्त मॉइस्चराइज़ कर लिया करें अपने हाथों पाँव को, और रात को सोने से पहले कोई अच्छी सी क्रीम जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, अगर आप वो इस्तेमाल कर लिया करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हाथ पाँव जो हैं उनके ऊपर टैनिंग नहीं होगी, उनका रंग झुलसे का नहीं, और वो बिल्कुल साफ़ सुथरे रहेंगे और आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि तभी आप इन्जॉय, साफ़ होंगे तो तभी आप इन्जॉय करेंगे अच्छे अच्छे स्लीपर्स, सैंडल्स और जो है वो ओपन शूज़ पहन के, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि कुछ मैं आपको चीज़ें दिखाने लगी हूँ।
वो आप गौर से देख लीजिए। सबसे पहले मैं एक्सफोलिएशन के लिए जो है वो आपको दिखाने लगी हूँ स्क्रब या फिर पील, ठीक है। ये एक पील है और ये पील जो है ये 8% ग्लाइकोलिक एसिड की पील है और ये आप हफ्ते में एक दफ़ा कर लें तो भी काफ़ी है। 10 सेकेंड एक पाँव पे, 10 सेकेंड दूसरे पाँव पे और उसी तरह से 10 सेकेंड एक हाथ पे और 10 सेकेंड दूसरे हाथ पे। जब आप इसको जिस तरह से रब करते हैं ना, जैसे स्क्रब लगाते हैं, उसी तरह से आपने इस पील को लगाना है, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल स्क्रबिंग एक्शन आपने इसको लगा के करना है और उसके बाद आप अपने हाथ धो लेंगे और अच्छा सा मॉइस्चराइज कर लेंगे। तो ये सबसे पहले मैंने आपको पील दिखाई है जो कि आप हफ्ते में एक दफ़ा, या चलो अगर हफ्ते में भी एक दफ़ा नहीं कर सकते तो 10 दिन में एक दफ़ा ज़रूर कर लें, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ रात को लगाने वाली कुछ क्रीम्स। एक तो मैं आपको ये लोशन दिखा रही हूँ। बहुत सारे लोगों के नकल्स बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं हाथों पाँव के, तो उनको मैं कहती हूँ या उनको सजेस्ट करते हैं कि ये आप रोज़ रात को मसाज कर लें सिर्फ खाली नकल्स पे, ठीक है, या सिर्फ खाली निशानों पे, पूरे हाथ पे ये मत लगाएं या पूरे पाँव पे ये आप मत लगाएं, या आप रोज़ लगा सकते हैं। इसमें क्योंकि सैलिसाइलिक एसिड है और बहुत ही माइल्ड सा स्टेरॉइड है, तो जो डेड स्किन होती है वो उतर जाती है। जिस वक्त डेड स्किन उतर जाती है तो आप देखते हैं कि आपके निशान और आपके जो नकल्स डार्क हुए हुए हैं, मोटे हुए हुए हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको एक और इमल्शन दिखा रही हूँ। ये इमल्शन भी रात को लगाने वाली है, पूरे हाथों पाँव पे नहीं लगानी है। ये भी आप सिर्फ अपने डार्क नकल्स पे लगा सकते हैं, हाथ के भी और पाँव के भी, ताकि वो जो निशान है या जो मोटी डार्क स्किन है वो ठीक होना हो जाए, शुरू हो जाए। जिस वक्त वो ठीक हो जाए तो फिर हम कोई और चीज़ पूरे के पूरे हाथों पाँव के ऊपर लगा सकते हैं ताकि पूरे हाथ पाँव साफ सुथरे और एक जैसे हो जाएँ। उसके बाद मैं आपको एक और क्रीम दिखा रही हूँ, इसका भी यही पर्पस है। ये क्या करती है, ये भी आपके जहाँ जहाँ पे आपने देखा है नमाज पढ़ने से या ज़मीन पे बैठने से भी वहाँ पे काला और मोटा सा एक निशान बनना शुरू हो जाता है, उसके लिए भी आप यही चीज़ें यूज़ करेंगे जो मैं अभी दिखा रही हूँ, ठीक है। ये भी आप रोज़ रात को अगर आपके नकल्स डार्क हैं या निशान पड़े हुए हैं हाथों पाँव पर, तो सिर्फ निशानों के ऊपर या सिर्फ नकल्स के ऊपर ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अब एक और क्रीम दिखा रही हूँ, ये जो है ये कंबाइंड फॉर्मूला है। इसके अंदर जो है वो दो तीन चीज़ें इकट्ठी डली हुई होती हैं। ये भी आप अपने डार्क नकल्स पे या जो हाथों और पाँव के निशान होते हैं उन निशानों के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक हो गया जी। अब मैं आपको दिखाना शुरू कर रही हूँ जो आप रोज़ रात को पूरे हाथों पर या पूरे पाँव पर लगा सकते हैं वो क्या क्या है। एक मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इसको देख लीजिए, इसका नाम है अल्टीमेट स्किन। ये बहुत अच्छी है, ये आप रेगुलर यूज़ रखेंगे इसका पूरे हाथों और पाँव पे, तो आप देखेंगे कि आपके हाथ पाँव जो हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे और एकदम से फ्रेश और हेल्दी लुकिंग रहेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, मॉइस्चराइजिंग लोशन है लेकिन ये ब्राइटनिंग भी करता है। ये आप सुबह के वक्त भी लगा सकते हैं और रात के वक्त भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये ब्राइटनिंग भी करेगा और उसके साथ साथ जो है वो आपके हाथ पांव जो है उनको मॉइस्चराइज भी रखेगा। फिर इसी तरह की एक और चीज़ दिखा रही हूँ, ये देखें, ये मॉइस्चराइज भी करेगा हाथों पांव को और उसके साथ साथ जो है वो वाइटनिंग इफ़ेक्ट भी देता है, ब्राइटनिंग भी करता है। ये भी बहुत ज़बरदस्त है और सुबह के वक्त आप इसको रोज़ लगा सकते हैं, इवन रात को भी लगा सकते हैं। ये आपके पूरे हाथों पाँव पर लगाने के लिए है। उसी तरह से जो है वो मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, ये जो है ये आपने सिर्फ रात को लगाना होता है, ये आप सुबह के वक्त नहीं लगाएंगे, सिर्फ रात को लगाएंगे। रोज़ रात को आप लगा सकते हैं, पूरे हाथों पाँव पे भी ये लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ मैं आपको दो मॉइस्चराइजर्स दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर्स हैं और रिपेयरिंग मॉइस्चराइजर्स हैं, सेरामाइड्स के साथ हैं ताकि आपकी स्किन जो है वो एकदम से सॉफ्ट रह सके। तो अगर आप रात को इनमें से कुछ लगा रहे हैं, जैसे मैंने आपको ये चार चीज़ें दिखाई थी, अगर आप रात को इनमें से कुछ लगा रहे हैं तो सुबह के टाइम मॉइस्चराइज करने के लिए आप ये वाला मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ कर सकते हैं, या मैं आपको एक और रिपेयरिंग मॉइस्चराइजिंग लोशन दिखा रही हूँ। इसके साथ इसमें यूरिया भी है, तो जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है मॉइस्चराइज करने के बावजूद, वो फिर हम उनको ये 10% यूरिया के साथ मॉइस्चराइजिंग लोशन है वो जो है वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। इससे ये होता है कि इससे आपकी स्किन की जो ड्राइनेस है वो एकदम से ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, एक और बात, अब पेशेंट का जो क्वेश्चन होता है या लोग जो पूछते हैं वो ये पूछते हैं, क्या मतलब ये जो आपने मुझे ये सब चीज़ें दी थी, मैंने इनको लगाना शुरू किया, मेरे हाथ पाँव साफ़ हो गए, बहुत अच्छे हो गए,
लेकिन फिर मैंने लगाना बंद कर दिया तो ये फिर वैसे के वैसे ही हो गए। देखिए, हाथ और पांव ऐसी चीज़ें हैं जो के फुली एक्सपोज्ड रहती हैं 24/7। सर्दी हो, गर्मी हो, बाहर का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, आप ये देखें कि ये हमारे साथ ही रहते हैं हाथ पांव, और हर वक्त एक्सपोज्ड रहते हैं। ठीक है, कवर तो नहीं होते। अब जब ये हर वक्त एक्सपोज्ड रहेंगे तो एहतियात और इनका ख्याल भी तो हर वक्त ही रखना पड़ेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि हम एहतियात या ख्याल तो ना करें, लेकिन चीज़ हमें बिल्कुल ठीक चाहिए और वो हर वक्त इस्तेमाल में भी हो। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे आप अपने फेस की स्किन का या आप अपने जो है वो बालों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह से हाथों पाँव को भी प्यार, मोहब्बत, एहतियात और उसके साथ साथ जो है वो तवज्जो की ज़रूरत होती है। और आप बिलीव करें कि जब भी हम किसी से मिलते हैं और वो हम उससे बातचीत कर रहे होते हैं तो हमारी नज़र पाँव पे और हाथों पे ज़रूर जाती है। और ये भी कहा जाता है कि अगर जो है कोई बंदा जो है वो अपनी स्किन से, अपने फेस की स्किन से ना पहचाना जाए कि उसकी एज क्या है, तो आप हाथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी एज क्या है। तो हाथों का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना, या पाँव का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना हमारे फेस की स्किन का होता है। अच्छा, ये सब तो मैंने आपको बताया कि आप घर में क्या कर सकते हैं, और फिर मैंने आपको दिखाया है कि आप घर में क्या लगा सकते हैं, क्या एहतियात कर सकते हैं, और किससे आपकी स्किन जो है वो हाथों और पाँव की अच्छी रह सकती है। अब हम आ जाते हैं कि लेट सपोज आप ये सब कुछ कर लेते बट उसके बावजूद आपके हाथ पाँव के ऊपर कोई निशान बने हुए हैं या उनका कलर ख़राब हुआ हुआ है और वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप हमारे पास आ जाएंगे और क्लिनिक के ऊपर डिफरेंट तरह के जो हैं वो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं। अगर सिर्फ खाली डार्क नकल्स हैं तो उसके ऊपर हम कार्बन पील से जो है वो डार्क नकल्स को कवर अप कर देते हैं। डार्क नकल्स जब ठीक हो जाएंगे तो आप सिर्फ कोई चीज़ पूरे हाथों पाँव पे लगाना शुरू कर देंगे तो वो सारे एक जैसे और साफ़ सुथरे हो जाएंगे। उसके अलावा हम क्या करते हैं, उसके अलावा जो है वो केमिकल पील्स किए जाते हैं। अगर डार्क नकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो सैलिसाइलिक एसिड की पील की जाती है। जैसे इसके अंदर सैलिसाइलिक एसिड डला हुआ है इस लोशन में, बट ये बफर्ड है। जिस वक्त हम जो है देखें कि आपकी स्किन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो उसमें ये होता है कि फिर हम क्लिनिक में जो है वो इस तरह से कर लेते हैं, पील कर लेते हैं। उससे ये होता है कि उससे आपके नकल्स को हम साफ कर देते हैं और बाकी जो रंग उसका अच्छा करना होता है पूरे हाथों पाँव का, वो आप लगा के भी ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा माइक्रोडर्माब्रेजन होता है जिससे हम डेड स्किन उतारते हैं और उसके साथ ही जो है वो उसके अंदर सीरम इन्फ्यूज करते हैं। वो ब्राइटनिंग या वाइटनिंग सीरम्स भी हो सकते हैं, उससे भी आप हाथों पाँव के कलर को रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके साथ साथ बहुत दफ़ा कंप्लेन होती है कि हाथ जो हैं उन पर बिल्कुल जैसे ड्राई रहते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ भी लगा लो, क्योंकि एज के साथ उन्होंने ड्राई होना ही होता है स्किन में। तो उसमें ये कंप्लेन भी होती है कि बहुत ज़्यादा हाथ पांव जो हैं वो हाथ जो हैं वो ड्राई रहते हैं, और इतने ड्राई हाथ हैं उस पर क्या लगाना है, लगा लगा के थक जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता, ये फिर भी ऐसे ही रहते हैं। तो उसमें हम हाइलुरोनिक एसिड के क्रीम्स भी देते हैं जो आप घर में लगा सकते हैं, और उसके साथ साथ फिलर भी लगाया जाता है ताकि जो हाथों की झुर्रियाँ हैं वो बेहतर हो जाएं और जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है हाथों की स्किन की वो बेहतर की जा सके। इसके अलावा मीजोथेरेपी भी की जाती है। मीजोथेरेपी में जो है वो हाइलुरोनिक एसिड और कोलेजन इलास्टिन होती है जो कि हम इंजेक्ट कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि उससे आपके हाथ जो हैं वो उसकी बारीक बारीक लाइंस, उसकी झुर्रियाँ या अगर रगें ज़्यादा नज़र आ रही हों तो वो आपको बेहतर हो जाएगा, और फिर आपको इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज भी नहीं करना पड़ेगा। समटाइम्स ये होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा थिन होती है हाथों की, कुछ लोगों की होती है, और उसकी वजह से उसके अलावा झुर्रियाँ भी बहुत होती हैं और इतनी पतली स्किन होती है कि उसके ऊपर क्रिंकल शिफॉन के कपड़े की तरह जो है वो झुर्रियाँ नज़र आ रही होती हैं। उसमें क्या करना होता है, उसमें हम ये करते हैं कि उसमें हम बोटॉक्स की मीजोथेरेपी भी करते हैं। वो जैसे सिलवटे निकाल देता है ना, बिल्कुल वैसे ही करता है। तो ये दो तीन तरह की चीज़ें या डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, और आई होप सो कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आप घर में क्या कर सकते हैं, एहतियात क्या रख सकते हैं, और उसके अलावा अगर आपके काबू में ये ना आ रही हो ये प्रॉब्लम, तो फिर आप डॉक्टर के पास आएंगे और डॉक्टर असेस करके आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो आपको बता देगा। लेकिन मैंने फिर भी आपसे कुछ प्रोसीजर्स जो हैं वो डेफिनेटली शेयर किए हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हम क्लिनिक में कैसे ये सब ठीक कर सकते हैं। ठीक है जी, और अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो लेट्स सी कि हमारे पास जो है वो किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेट मी स्टार्ट रीडिंग योर क्वेश्चंस। चल ठीक है। आयमा अहमद कह रही हैं, नहीं पहले सबसे पहले बुक्स एंड गेम ने कहा हाय हाय,
उसके बाद आयमा अहमद कह रही है हाउ टू यूज़ एंड हाउ मच रेटिनॉइड फॉर एंटी एजिंग पर्पज़, रेटिनॉइड 0.05 स्ट्रेंथ सेव फॉर एंटी एजिंग पर्पज़। आयमा आपकी स्किन कैसी है, आपकी एज क्या है, उसके हिसाब से भी देखना पड़ता है। और उसके साथ साथ इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप हायर कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करते हैं शुरू में और उसके बाद फिर लो कॉन्सेंट्रेशन से मेंटेन कर लेते हैं, और या फिर ये होता है कि आप लो कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा लेते हैं। अगर किसी चीज़ में, अगर किसी सिरम में या अगर किसी भी क्रीम के अंदर 0.01 या 0.03 तक रेटिनॉल है, तो इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं होती। यही कंट्रोल में नहीं आ पाती स्किन जिसके ऊपर आप 0.1 या 0.3 तक लगा रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप हायर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 0.3 से स्टार्ट कर लें और उसके बाद लो से मेंटेन कर लें 0.1 से, नहीं तो आप 0.1 से स्टार्ट कर सकते हैं और 0.3 तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। मून स्काई कह रहे हैं मामा के वाइट हेयर हैं, डाई शैम्पू का नाम बता दें। डाई शैम्पू, वो शैम्पू जो कि डाई की तरह आप लगाते हैं तो कलर देता है, मैं तो उसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती हूँ। और मुझे तो आपका क्वेश्चन जो है वो लगता है आपने यही पूछा है, मैं ऐसा तो बिल्कुल भी कुछ रिकमेंड नहीं करती। जो डाई सेफ शैम्पू होते हैं अगर आप वो पूछ रहे हैं तो डिफरेंट कंपनीज़ के आते हैं जिन पे कलर सेफ या फिर सल्फेट फ्री शैम्पूज़ लिखा हुआ होता है। जो लास्ट मेरा लाइव था वो सारे का सारा था ही इसके ऊपर, आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं क्योंकि वो आप फेसबुक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर है, आप उसको दोबारा देख सकते हैं और उसमें से जो है वो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसमें मैंने चीज़ें भी दिखाई हुई हैं और नाम भी बताए हुए हैं और तरीका भी। आयशा खान कह रही हैं सलाम मैम, पूछना था लेज़र हेयर रिमूवल से स्किन डार्क तो नहीं होगी? नहीं जी, लेज़र हेयर रिमूवल से कोई स्किन डार्क नहीं होती है, बल्कि लेज़र हेयर रिमूवल करने की वजह से, क्योंकि आप बाकी सब मेथड्स बंद कर देते हैं जिसमें स्किन खिंचती है और डार्क होने का चांस होता है या ख़राब होने का चांस होता है, जैसे वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है या फिर ब्लीच करना है, वो सब चीज़ें क्योंकि आप ये करना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से ख़त्म हो जाता है जो पिगमेंट है या जो कलर वहाँ पर होता है वो ठीक हो जाता है। और जो इनग्रोन हेयर होता है लेज़र क्योंकि उसको भी ख़त्म कर देती है, इसकी वजह से भी कलर उस जगह से बहुत अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है। रजाली कह रहे हैं डर्मी स्टर क्रीम विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ हाइलुरोनिक एसिड वाली क्रीम या सिरम यूज़ करना चाहिए कि नहीं? अच्छा, डर्मी स्टर वाली जो क्रीम है वो आप किसी भी वेदर में यूज़ कर सकते हैं, आप उसे सुबह भी यूज़ कर सकते हैं, रात को सोने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी हाइलुरोनिक एसिड है तो आपको एक्स्ट्रा हाइलुरोनिक एसिड का सिरम या क्रीम लगाने की ज़रूरत उसको लगाने के साथ साथ नहीं है। आलिया कमल कह रही है मैम आई एम 33, आई हैव यूज्ड आइसोट्रेटिनोइन 3 years बैक बट अब दोबारा एक्नी हो रही है, पर सिर्फ चिन और उसके अराउंड एरिया पे है, प्लीज़ कुछ बता दें बिकॉज आई कांट यूज ट्रेटिनोइन अगेन। आलिया, वैसे तो ट्रेटिनोइन को दोबारा से खाया जा सकता है आइसोट्रेटिनोइन को, लेकिन क्योंकि आप चिन कह रहे हो तो आप ये देख लो, ज़्यादातर चिन के ऊपर जो एक्नी होती है वो साइक्लिक होती है, यानी कि आपकी मेंस्ट्रुएशन के साथ रिलेटेड होती है, आपका जो पीरियड्स का साइकिल होता है उसके साथ रिलेटेड होती है कि पीरियड्स होने से पहले ज़रूर इस जगह के ऊपर 2-3 पिंपल्स बड़े बड़े बन जाते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आप स्किनोरिन क्रीम जो है वो ले लें, स्किनोरिन क्रीम आती है वो ले लें और उसको रोज़ रात को हल्का सा थोड़ा सा सिर्फ खाली चिन के ऊपर लगा लिया करें ताकि दाने बन ना सकें, ठीक है। इसको आप अपने कॉन्टिन्यूस यूज़ में रख सकती हैं, सुबह के वक्त आप सनब्लॉक लगाएं और रात को सोने से पहले सिर्फ इसी पोर्शन के ऊपर जो है वो आप डेली ये लगा सकती हैं। शहीर कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम मैम, आई यूज़ सनस्क्रीन रेगुलरली पर यूनिवर्सिटी में सनस्क्रीन रीअप्लाई का टाइम नहीं मिलता, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसका तो कोई तरीका नहीं, आपको दोबारा लगाना ही पड़ेगा। देखें, अगर आपके पास जो है वो UVA UVB दोनों का कवर है तब भी आप, क्योंकि बाहर हैं तो आपने 5 घंटे के बाद उसको रिपीट करना है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। एक साइट पे जाएं, अपने बैग से जो आपका सनस्क्रीन है सनब्लॉक है उसको निकालें और अगर मुंह नहीं भी वॉश कर सकते तो दोबारा से उसे लगा लें। अगर ऑयली स्किन है तो फिर ऐसा करें कि जो मैं टोनर प्लस क्या कहते हैं
फेस वॉश कम टोनर और इस किस्म की चीज़ें दिखाती रहती हूँ, उसी तरह से जो है वो मेकअप रिमूवर्स और टोनर्स भी होते हैं जो कि मिक्स होते हैं, वो आप क्या कर सकते हैं कि वो आप अपने साथ रख सकते हैं। उससे आपने जो है वो हल्का सा वाइप किया फेस को और उसके ऊपर दोबारा से सनब्लॉक लगा लिया, और कोई हल नहीं, आपको सनब्लॉक तो लगाना ही पड़ेगा दोबारा। आयशा खान कह रही है, मैम मैंने रेटिनॉइड स्टार्ट किया था ट्वाइस वीकली लेकिन मेरा कलर बहुत डल हो गया है, काइंडली मुझे बताएं क्या करूं। आयशा देखिए, मैंने स्किन क्योंकि देखी नहीं है इसलिए मैं आपको ये तो नहीं बता सकती कि आपको पर्जिंग हो रही है और आप इसको स्टार्ट रखें या फिर आप इसको बंद कर दें। मेरा ये ख्याल है कि आप ऐसा करें कि इसको कंटिन्यू रखें और इसी तरह से हफ्ते में दो दफ़ा ही लगाती रहें। जो बाकी के नाइट्स होते हैं, ज़ाहिर आप नाइट में लगाती हैं ना, जो बाकी की नाइट्स होती हैं उसके अंदर आप कोई और अच्छी सी वाइटनिंग क्रीम लगा लिया करें, ठीक है। ड्यू टू लगा सकती हैं, ग्लूटॉक्स लगा सकती हैं, ग्लूटामैक्स लगा सकती हैं, उसके अलावा आप लीवा लगा सकती हैं, ये सब अच्छी हैं जिनको आप कॉन्टिन्यूस यूज़ में रख सकती हैं, पर्ल लाइट लगा सकती हैं, ये करें। ये जो गंदी स्किन वाला फेज़ है ये गुजर जाएगा, तो आप आई थिंक इसी तरह से रखें और ये खुद ही से ठीक हो जाना चाहिए। Nevertheless, it's very important, याद रखें, रात को आप ट्रेटिनॉइन लगा रहे हैं और सुबह आप सनब्लॉक नहीं लगा रहे तो आप डिज़ास्टर कर रहे हैं, सारी स्किन आपको ख़राब लगेगी अच्छे लगने की बजाय। तो सनब्लॉक इज़ ए मस्ट, तो सुबह के टाइम आपने सनब्लॉक ज़रूर लगाना है, ठीक है। आलिया कंवल कह रही हैं, जी आलिया कंवल कह रही हैं, मैम अगर कोई MBBS डॉक्टर नहीं RMP किया हो तो वो कैसा डॉक्टर होगा, उसके पास जाना ठीक होगा एक्ने के लिए? भाई MBBS डॉक्टर नहीं है तो वो एलोपैथिक डॉक्टर तो नहीं है ना, ये तो आपकी मर्ज़ी है कि आप किसी हकीम के पास जाना चाहती हैं, किसी होम्योपैथ के पास जाना चाहती हैं या आप डॉक्टर के पास जाना चाहती हैं। जैनब जहरा कह रही है, मैम पिंपल्स लोअर चीक पे बनते हैं और बार बार उसी जगह पे, जबकि मुझे PCOS का भी कोई इशू नहीं है और फिर वो निशान जाते भी नहीं। जैनब आप कुछ और तो नहीं कराते हो फेस पे, जैसे वैक्सिंग, थ्रेडिंग या फिर जा के फेशियल्स कराना? अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो उसको छोड़ दो, और इसके अलावा जो है आप यूज़ कर सकते हो गेलिट क्रीम, गेलिट के नाम से क्रीम आती है, वो आप यूज़ कर सकती हैं, वो आप रोज़ रात को सिर्फ इसी पोर्शन पे लगाएं जहाँ पे बार बार आपको एक्ने होती है। देखो अगर कंट्रोल होगा लगा के तो ठीक है, और अगर नहीं होगा तो फिर आप डॉक्टर को दिखा लें, ठीक है। जवेरिया मलिक कह रही है, मैम आई एम 25 ईयर्स ओल्ड नाउ, प्लीज़ मुझे एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स बता दें, नाइट क्रीम सिरम जो भी होता है, आई हैव ऑयली स्किन। यार अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये रात को लगाना शुरू करें, ये देखें 10% ग्लाइकोलिक एसिड की क्रीम है, ये रोज़ रात को लगाया करें और सुबह जो है वो आप सनब्लॉक लगाया करें। आपकी ऑयली स्किन है, आप यूवी लाइट के नाम से सनब्लॉक आता है वो ले सकती हैं, सन टैन के नाम से आता है सनब्लॉक आप वो लगा सकती हैं। सुबह के वक्त सनब्लॉक लगाएं और रात के वक्त ये लगाएं, जो ऑयल है एक्स्ट्रा ऑयल वो कंट्रोल होगा और आपकी स्किन आपको पहले से स्मूदर और ब्राइटर लगेगी, ठीक है। उसके बाद आलिया कमल कह रही है, मैम अगर नायसिनामाइड के सिरम को एक्टिव एक्नी पे लगाया जाए तो क्या कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा या एक्नी को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होगा? नहीं, एक्नी को कंट्रोल कर सकता है, आप लगा सकते हैं उसको, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। आयशा खान कह रही है, मैम बोटॉक्स से सैगी स्किन भी टाइट हो जाती है या नहीं? आयशा देखना पड़ता है कि सैग कितना है और स्किन के ऊपर किस चीज़ की ज़रूरत है। देखो जो भी जैसे सैगी स्किन वाले अगर 4-6 पेशेंट्स हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि सब जो हैं वो किसी एक ही प्रोसीजर से ठीक हो जाएंगे, तो वो देखना पड़ता है, जब तक देखे नहीं तब तक समझ नहीं आएगी। वैसे मीज़ो जो बोटॉक्स से मीज़ोथेरेपी करते हैं वो भी स्किन टाइटनिंग करती है, सिंपल जो है वो DME का भी जो है वो मीज़ोथेरेपी होती है वो भी करते हैं, इसके अलावा RF टाइटनिंग होती है वो भी यूज़ की जाती है, इसके साथ साथ जो है वो लिफ्ट के लिए और सैक को ख़त्म करने के लिए जो है वो हाइफू भी किया जाता है। तो डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स हैं, लेकिन जब तक हम पेशेंट को नहीं देखें हम उनको स्पेसिफिकली बता नहीं सकते कि आपकी स्किन के सैक को या आपकी स्किन को ठीक करने के लिए कौन सा प्रोसीजर जो है वो बेस्ट रहेगा। आयशा खान कह रही है, 6 months रेगुलर यूज़ किया ट्वाइस अ वीक, क्या?
अच्छा ओ, फिर आपको बहुत ज़्यादा देर होगी आयशा, अगर आप इतना इतनी देर से जो है वो रेटिनॉल्स यूज़ कर रहे हो, तो अब आप बंद कर दो, अब आप उसको मत लगाओ, ठीक है? आप उसको ना लगाओ और कोई और एंटी एजिंग आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? अब मुझे आपने एज तो नहीं बताई है, बट ये बहुत अच्छी एंटी एजिंग है, ग्लाइकोलिक एसिड बहुत अच्छा एंटी एजिंग है, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? या आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, ये आपको तंग नहीं करेगा। और इसके अलावा आप हाइलुरोनिक एसिड ऐड कर सकते हो, रात के टाइम पे हाइलुरोनिक एसिड ऐड करने से भी जो है वो आपको अच्छा एंटी एजिंग इफेक्ट आता है। बट चीज़ें वो होनी चाहिए जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स हो, सिर्फ लिखा ना हो कि इसके अंदर है और पता चले कि वो 400 रुपये का, 500 रुपये का, 600 रुपये का हाइलुरोनिक एसिड का सीरम है, तो उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड हरगिज़ नहीं हो सकता। या वाइटामिन सी का सीरम है जो कि 450 रुपये का, उसके अंदर वाइटामिन सी नहीं होता। इट्स ए प्रैंक, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं, ये सॉल्ट्स एक्सपेंसिव हैं और ये एक्सपेंसिव ही रहेंगे। आप बिल्कुल ना सोचो कि इतना सस्ता सा एक कोई सिरम है उसके अंदर ये आपको डला हुआ वो कह रहे हैं और वो वाकई डला होगा। जैनब जहरा कह रही है, मैम मेरे फेस पे एक्सेस स्वेटिंग होती है, अब तो जब सनस्क्रीन फेस पे लगाती हूँ तो वो ऐसी जलन करती है। अच्छा, स्वेटिंग का प्रॉब्लम है, स्वेटिंग ज़्यादा है। अच्छा, स्वेटिंग को कंट्रोल करने के लिए ट्राई कर लें, ब्लॉटिंग पाउडर्स आते हैं, आपने देखा है जैसे फेस के ऊपर लगाने वाले पाउडर्स होते हैं, कोई मिनरल पाउडर होता है और कोई मैटिफाइंग पाउडर होता है, उस तरह से ब्लॉटिंग पाउडर्स आते हैं। ब्लॉटिंग पाउडर्स जो होते हैं वो एक्सेस स्वेट या एक्सेस ऑयल दोनों को बेहतर करते हैं। आप ब्लॉटिंग पाउडर के नाम से देखें, आपको मिल जाएगा, जहाँ से कॉस्मेटिक्स अच्छे मिलते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। NYX यानी कि NYX जो कंपनी है उसके भी ब्लॉटिंग पाउडर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं पाकिस्तान में इजीली, और मेरे ख्याल है ये आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, ठीक है? वो लगा के देखें, अगर तो उससे स्वेटिंग कंट्रोल होती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती है तो फिर बोटॉक्स लगाने से स्वेटिंग भी कंट्रोल हो जाती है जी। जिसको एक्सेस स्वेटिंग होती है तो उसकी बोटॉक्स की मीजोथेरेपी करते हैं तो वहाँ पर स्वेटिंग जो है वो रुक जाती है फॉर 6 to 8 months, ठीक है? शही कह रहे हैं, मैम कुछ स्किन कैंसर पे भी बताएं, क्योंकि अक्सर तब पता चलता है जब वो काफ़ी स्प्रेड हो जाता है। शही, स्किन कैंसर्स जो है वो पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा कॉमन है ही नहीं है, और मुझे ये लगता है कि उससे जो प्रॉब्लम आता है जब आप ऐसी किसी चीज़ के ऊपर इन जनरल पब्लिक में बात करते हैं तो हर किसी को लगता है कि मेरा जो ये तिल है ये तो कैंसर ही है, या मेरा यहाँ पे एक ज़ख्म बन गया है और ये अभी ठीक नहीं हो रहा, ये कैंसर ही है। तो मुझे लगता है कि वो शायद ज़्यादा परेशान कर जाती है ये चीज़, और आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। बस आप एक चीज़ याद रखें, आपको अगर कोई ऐसी चीज़ बनती है जो कि पहले भी थी, जैसे कोई तिल है या कोई भी चीज़ है वो आपको पहले भी थी, लेकिन अब उसके अंदर कलर का डिफरेंस आ रहा है, शेप का डिफरेंस आ रहा है, या दो कलर उसके अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप कॉन्शियस हो जाएं और जाके एक दफ़ा डॉक्टर को दिखा लेने में कोई हर्ज नहीं है। वो दिखा लेंगे आप तो तसल्ली हो जाएगी कि कोई ख़तरे की बात तो नहीं है। अगर किसी चीज़ और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो डेफ़िनेटली डॉक्टर आपको बता देगा, ठीक है? बिकॉज स्किन कैंसर्स जो हैं वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतने कॉमन नहीं है, इसलिए मुझे ये लगता है कि जब उसके ऊपर बात की जाती है तो इतना खौफ होता है, इतनी हरासमेंट हो जाती है कि हर किसी को लगता है कि ये जो चीज़ मेरे स्किन पे या मेरे फेस के ऊपर बन गई ये तो स्किन कैंसर ही है, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद रज़ा अली कह रहे हैं, विटामिन सी सीरम और लीवा क्रीम इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं, और आइस के पास भी लीवा क्रीम के अंदर विटामिन सी ऑलरेडी है, आपको सेपरेटली लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको आइस के अराउंड भी लगा सकते हैं, फेस पे, नेक पे, कहीं पे भी, हाथों पे भी लगा सकते हैं। लीवा क्रीम में खुद से विटामिन सी डला हुआ है, सेपरेटली लगाने की ज़रूरत नहीं है। आयशा खुशनूद कह रही है, मैम अगर मॉइस्चराइज़र भी लगाना हो और नाइट क्रीम भी, तो पहले किसे यूज़ करें, नाइट क्रीम या मॉइस्चराइज़र? पहले नाइट क्रीम यूज़ कर लें, और अगर तो नाइट क्रीम आपकी हाइलुरोनिक एसिड वाली है तो फिर वो क्योंकि हैवी होती है तो पहले मॉइस्चराइज़ कर लेंगे और फिर उसको लगा लेंगे। यानी कि पहले लाइट चीज़ लगानी होती है और फिर हैवी चीज़ लगानी होती है। अगर आप पहले मॉइस्चराइज़ कर लेते हैं और उसके बाद ब्राइटनिंग क्रीम लगाते हैं तो यूजुअली ब्राइटनिंग क्रीम्स या किसी भी चीज़ की एब्जॉर्प्शन थोड़ी कम हो जाती है, तो इट्स बेटर कि आप पहले अगर कोई ब्राइटनिंग या स्किन लाइटनिंग वाली, वाइटनिंग वाली क्रीम लगा रहे हैं तो पहले उसे लगा लें और उसके बाद उसके ऊपर आप फिर अपना मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। और अगर आपको उसको लगाने के बाद मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं रहती है तो आप बेशक मॉइस्चराइज़र स्किप कर दें, ठीक है? जवेरिया मलिक कह रही है, मैम मेरी बॉडी कलर फेयर है
बट फेस और हैंड्स एंड फीट का डार्क प्लीज़ कुछ बता दें कि ठीक हो जाए। बहुत कुछ ट्राई किया यार मैंने, इतनी चीज़ें आपको दिखाई हैं जवेरिया, मैंने इतने प्रोडक्ट्स आपको बैठ के दिखाए हैं हाथों पाँव के लिए, और फेस की स्किन ब्राइटनिंग के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा दिखा चुकी हूँ। ठीक है, जो हाथ पाँव और फेस हैं, देखो आप खुद समझो कि इनका कलर क्यों ख़राब हुआ या क्यों ख़राब रहता है। वो इसलिए कि ये सन एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं। ठीक है, ये वो वाले एरियाज़ हैं जहाँ जो कि सन में एक्सपोज रहते हैं। तो सन ब्लॉक लगाएं अपने पाँव पे भी, हाथों पे भी, अगर आप बाहर जा रही हैं तो, नहीं तो दिन के टाइम पे मॉइस्चराइज कर लें। रात की इतनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, ये देखिए मैं फिर से दिखा रही हूँ, ये है, उसके अलावा ये है, उसके अलावा ये है, फिर ये है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं जो आप अपने हैंड्स, फीट और आर्म्स के ऊपर रोज़ रात को लगा सकते हैं। ठीक है, रजा अली कह रही है डर्मी स्टार क्रीम से क्लियर कलर भी फेयर होता है या नहीं। डर्मी स्टार की क्रीम आप कौन सी वाली कह रहे हो? अगर तो आप हाइलुरोनिक एसिड वाली फिलर वाली क्रीम कह रहे हो तो उससे कलर तो अच्छा नहीं होता ना, बेसिकली तो वो फाइन लाइन्स और रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए। जैनब जहरा कह रही है मैम आई हैव ऑयली स्किन एंड आई यूज प्रोटीसन सनब्लॉक, इज इट ओके टू यूज़ इट एज नाउ इट कॉज बर्निंग सेंसेशन ऑन फेस। या ऐसा करें कि एक तो ये कि आप ये चेक कर लें कि कोई और ऐसी चीज़ तो नहीं आपके यूज़ में जिससे स्किन सेंसिटिव हो रही है, या हीट में आप बहुत ज़्यादा जाते हो और सनब्लॉक को रीअप्लाई नहीं करते हो। रीअप्लाई भी ज़रूर करो, सनब्लॉक का इतना प्रॉब्लम नहीं जितना वेदर का और टेम्परेचर का प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें भी आप नोट करें। ठीक है, इसके लिए आप ये भी कर सकती हैं, बहुत आसान सा काम है कि आप खीरा ले लें, खीरे का जो है वो छिलका भी ऊपर ही रहने दें, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लें, वॉश करने के बाद उसको ग्रेट यानी कि कद्दूकश कर लें, और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं कपड़े में से छान के उसका पानी निकाल लें, उसको स्प्रे बॉटल में डाल लें, उसको फ्रिज में रखा करें, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब आप उसको यूज़ करेंगे, स्प्रे करेंगे अपने फेस पे, तो जो टेम्परेचर सेंसिटिविटी होती है वो ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। ठीक है, साधिया मंसूर कह रही हैं सलाम मैम, मैंने आपसे कार्बन फेशियल करवाया है बट मुझे रेडनेस ख़त्म नहीं हो रही है और स्किन बहुत डल हो गई है पहले से। यार कार्बन फेशियल से तो कोई रेडनेस नहीं होती है स्किन पे, वो तो हम करके शाम को लोग मेकअप करके या अपनी पार्टी अटेंड कर लेते हैं, और मैं भी करती हूँ अपनी स्किन पे, उससे तो कोई रेडनेस नहीं होती है। आप चेक करो कि आपको रेडनेस एलर्जी भी थी आपको, कोई डर्माटाइटिस, या फिर जो है कोई स्किन सेंसिटिविटी भी थी आपको, क्योंकि आजकल गर्मियों में सबको बहुत ज़्यादा हुई है। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसको ज़रूर देख लें, और मैंने आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट भी प्रिस्क्राइब किया होगा उसको भी चेक कर लो। ठीक है, और देखो अगर आपकी कोई प्रिस्क्रिप्शन है और उसको यूज़ करते हुए आपको स्किन पे कोई इशू आ रहा है तो ये पोर्टल उसके लिए नहीं है। आपके पास आपकी प्रिस्क्रिप्शन है, हमारे पास आपके सारे के सारे फॉर्म्स या जो भी चीज़ है या सारी डिटेल्स होती हैं कि आपके ऊपर क्या किया गया आपके फेस पे, आप बहुत आसानी से जो नीचे डिस्प्ले हो रहे होते हैं नंबर्स, और आपके पास प्रिस्क्रिप्शन के नीचे भी लिखे होंगे, आप उसके ऊपर जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हो अपने इशू को अलॉन्ग विद योर प्रिस्क्रिप्शन। इवन आप अपनी पिक्चर भेज सकती हैं ताकि हम चेक कर लें कि ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो आपकी स्किन को इरिटेट कर रही है लगाने वाले प्रोडक्ट्स में से। ठीक है, बहरहाल कार्बन फेशियल से कोई रेडनेस नहीं होती है। ये भी होता है कि लोगों को ऑलरेडी जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिविटी या डर्माटाइटिस होता है, और फिर वो उनको लगता है कि ये इसकी वजह से हो रहा है, जबकि वो उनको गर्मियों में वैसे ही होता है। ठीक है, तो आपके पास एक पोर्टल है जिसको यूज़ करते हुए आप अपना इशू जो है वो हमें अपने प्रिस्क्रिप्शन के साथ भेज सकते हैं, और हम फिर आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, रजा अली कह रहे हैं मेरे लिप्स पर वाइट स्पॉट बनते हैं खाना खाते हुए, जलन होती है क्या तुम? वाइट स्पॉट्स आपके लिप्स के ऊपर है? नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा ये किस किस्म के वाइट स्पॉट्स हैं, और क्या जलन जो है वो सेंसिटिव लिप्स की वजह से है या किस वजह से, ये देखना पड़ेगा, तो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मैं वैसे इसके लिए हेल्प नहीं कर सकती। रूजश पाक कह रही है मैं घर में मैनिक्योर पेडिक्योर का तरीका बता दें, आप अपने हैंड्स फीट का ख्याल कैसे रखती हैं? मैं अपने हैंड्स एंड फीट का ख्याल वैसे ही रखती हूँ जैसा मैंने आज आपको बताया है। मैं हफ्ते में एक दफ़ा पील भी यूज़ करती हूँ, ये देखें ये जो मैंने आपको पील दिखाई है, उसके अलावा जो है वो रोज़ रात को जो है वो मैं लोशन लगा के या क्रीम लगा के, मतलब जो जैसे ये है जैसे इसको लगा के, और उसके अलावा मॉइस्चराइज करके फिर ही सोती हूँ। बाकी डे में तो आजकल क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा धुल रहे होते हैं तो एक्स्ट्रा वॉश हो रहे होते हैं तो एक्स्ट्रा ड्राई भी हो रहे होते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा दफ़ा जितनी दफ़ा ज़रूरत होती है या जितनी दफ़ा मैं मॉइस्चराइज कर सकती हूँ मैं बार बार मॉइस्चराइज भी करती हूँ। ठीक है, अच्छा पेडिक्योर मैनीक्योर इसके अलावा कुछ नहीं होता,
आपको मैंने पील भी दिखाई है और घर में आपने किस तरह से करना है क्या, मैंने उसका तरीका भी बता दिया है। तो अब जब ये पोस्ट हो जाएगी और ये लोड हो जाएगी वीडियो, तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं और पेपर पेन पे पेपर पेन लेके लिख सकते हैं कि मैंने आपको दो तीन चीज़ें जो घर में करने वाली हैं वो कौन सी बताई हैं, और उनको करके आप अपने हाथ पांव की स्किन को बिल्कुल साफ़ सुथरा और डलनेस से दूर रख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का सेशन और होपफुली आपको इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और आप बिलीव करें कि जिस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे या ख्याल रखते हैं वो भी आपको पे बैक करती है। जिस चीज़ का आप ख्याल नहीं रखेंगे वो कभी अच्छी नहीं रह सकती, चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो। ठीक है, तो अपने हाथों पाँव को भूले नहीं, अपने हाथ पाँव का बहुत ख्याल रखा करें, क्योंकि हाथ पाँव जो हैं वो भूलने वाली चीज़ नहीं है। हम अपना हर काम अपने हाथों से कर रहे होते हैं तो उसको भी तो ख्याल की ज़रूरत है ना। ये तो नहीं है कि आप इस्तेमाल तो उसको 24 घंटे कर रहे हैं लेकिन उसका ख्याल नहीं रख रहे और सोच रहे हैं कि ये ख़राब क्यों हो रहा है या इसको तो बहुत अच्छा रहना चाहिए। तो जैसे आप अपनी स्किन का या अपने बालों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह से अपने हाथों और पाँव की स्किन का भी ख्याल रखें, क्योंकि ये सब चीज़ें अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, एसेट्स हैं, और आप इनका ख्याल रखेंगे तो ये भी आपको पे बैक करेंगी और आप देखेंगे कि इनकी वजह से आपको कितना अच्छा फील होगा। क्योंकि अगर आपकी स्किन साफ है तो आप जो चीज़ भी पहन लेंगे आपको अच्छी ही लगेगी। ठीक है जी, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जाने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हों तो आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमें ज्वाइन कर सकें। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।